इस वीडियो में हम इस पेज को पिक्सल परफेक्ट बनाएंगे, मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि इस मॉकअप में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब हर एक एक पिक्सल, हम उसे परफेक्टली क्लोन करें। अभी हमारा वेब पेज काफ़ी हद तक क्लोन हो चुका है लेकिन परफेक्ट नहीं है, इसको अभी पिक्सल परफेक्ट करना है। तो सबसे पहले पिक्सल परफेक्शन अचीव करने के लिए हम हेडर के स्टाइल्स चेंज करेंगे। तो हेडर के अंदर इस लोगो और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। तो हम मेन को मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हेडर को ओपन करते हैं। अब हेडर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये इमेज और इस नैव के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं, इन सब को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। तो अभी मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन क्लिक करूँगी और इसे मैं दूँगी हेडर के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर कर दो RGBA 255, 255, 255, जिसका मतलब है वाइट। तो अब आप देखें इसका कलर वाइट नहीं हुआ। हम चेक कर लेते हैं कि इसका कलर वाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे चाइल्ड कॉम्बिनेटर यूज़ किया है और लिस्ट आइटम इस हेडर का चाइल्ड नहीं बल्कि डिसेंडेंट है। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड की जगह सिर्फ स्पेस यूज़ करूँगी विच इज़ डिसेंडेंट। अब आप देखें इन सारे लिस्ट आइटम्स पे बैकग्राउंड कलर हो गया है वाइट, लेकिन मुझे बैकग्राउंड कलर 100% वाइट नहीं बल्कि वाइट का एक शेड चाहिए, मतलब थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम हो ताकि जो इसके पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो थोड़ा सा नज़र आ रहा हो। तो इसको मैं अल्फ़ा दूंगी, यहाँ पे मैं इसका अल्फ़ा थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगी और अब मुझे ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। उसके अलावा इन आइटम्स में एक तो बॉर्डर रेडियस है, तो इसको मैं दूंगी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स कर लेते हैं। 10 पिक्सल्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसको कम करके 5 पिक्सल्स कर लेते हैं। और उसके अलावा इनमें पैडिंग भी मौजूद है, लेकिन पैडिंग अगर मैं इंक्रीज़ करूँगी तो इस हेडर का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और इनके अंदर काफ़ी सारी पैडिंग भी है। तो अभी हमारे लिस्ट आइटम्स बहुत छोटे हैं और जो सारी की सारी पैडिंग है वो इस एंकर टैग के अंदर है। तो मैं ये पैडिंग एंकर टैग से रिमूव करूँगी और एंकर टैग की जगह मैं ये पैडिंग लिस्ट आइटम के अंदर ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पैडिंग 1 EM। इसकी लेफ़्ट और राइट से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो लेफ़्ट और राइट से 2 EM कर लेते हैं। तो अभी ये कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और इसका बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो आई थिंक 10 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस बिल्कुल ठीक रहेगा। ये स्टाइल्स हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इधर हेडर के लिस्ट आइटम्स के अंदर पेस्ट कर लेंगे और साथ ही साथ जो एंकर टैग को मैंने पैडिंग दी थी वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो इमेज है इसके बैकग्राउंड कलर पे भी ये वाइट शेड आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हेडर के अंदर जो इमेज है उसका भी यही बैकग्राउंड कलर होना चाहिए और यही बॉर्डर रेडियस होना चाहिए। तो मैं ये सारे के साइज स्टाइल्स यहाँ से कट करूँगी, यहाँ पे पेस्ट करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी मल्टीपल सेलेक्टर हेडर के अंदर इमेज और हेडर के अंदर लिस्ट आइटम, दोनों पे यही स्टाइल्स अप्लाई करने हैं लेकिन पैडिंग सिर्फ इसके अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पे इस इमेज को मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूँगी, आई थिंक 10 पिक्सल्स सही रहेगा। इसको रिफ्रेश करेंगे और अब
इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो मार्जिन है, आप देखें ये मार्जिन इन लिस्ट आइटम्स पे भी अप्लाई हो रहा है और मुझे लिस्ट आइटम पे ये मार्जिन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं मार्जिन यहाँ से रिमूव करके और हेडर के अंदर जो इमेज है इस पर पेस्ट कर दूँगी। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये स्टाइल्स अब मुझे परफेक्ट लग रहे हैं। तो हमारा हेडर पिक्सल परफेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स करेंगे बाकी पेज के अंदर।